अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस टेक इन्फो। दोस्तों, जैसा कि 2016 में आप लोगों को पता ही है कि सैमसंग की तरफ से जो नोट सेवन स्मार्टफोन आया था, वो जो ब्लास्ट होने के उसके काफी ज्यादा केसेस सामने आए थे। तो वहां पर जो है फोन की बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो जाती थी, आग निकलती थी फोन में से, जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, दर्जनों केसेस हमें इस तरह देखने को मिले थे। लेकिन अब 2018 में जब ये स्मार्टफोन नोट 9 लॉन्च किया था सैमसंग ने, तो यही हमें काफी ज्यादा कहा गया था कि इसकी बैटरी जो है वो काफी ज्यादा सेफर है, बैटरी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और 4000 mAh की इसके अंदर बैटरी यूज की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी इसी मंथ के शुरू में जो है वो एक लड़की के साथ ये वाकया आया है कि वहां पर जो है नोट 9 जो स्मार्टफोन था वो ब्लास्ट हुआ है। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उसी वाकये के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 2016 में जब हमें नोट 7 स्मार्टफोन देखने को मिला था, तो काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन था 2016 के हिसाब से वो। तो वहां पर हमें काफी ज्यादा जो है लोगों को देखने में काफी अच्छा लगा वो स्मार्टफोन, लोगों ने बहुत ज्यादा उसको खरीदा। लेकिन जब वो इस तरह का वाकया सामने आया कि जो फोन एक बंदे का ब्लास्ट हुआ, करते करते दूसरे का वाकया सामने, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करते करते जब एक के बाद एक वाकया सामने आता गया, तो जो है उस पर सैमसंग ने भी काफी ज्यादा फोकस किया कि यार ये काम क्यों हो रहा है इस तरह। और उन्होंने उसी महीने, एक महीने के अंदर अंदर जो है उस सीरीज को टोटली, उस सीरीज को नहीं, उस फोन को जो है वो टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी नोट 7 जो था वो सैमसंग ने वापस अपनी कंपनी में बुला लिया, लोगों से वापस ले लिया उन्होंने। और कुछ फोन जो थे वो इस तरह लोगों को जो है रिप्लेसमेंट वगैरह के बाद, इस तरह लोगों ने जो खरीदे जिनके ऊपर सेफ होने का टैग लगा हुआ था कि ये फोन जो है वो सेफ है, उनमें भी हमें ब्लास्ट होने के केसेस जो है वो सामने आए। लेकिन अब यहाँ पर देखने को ये वाकया आया है कि जहां पर नोट 9 जो सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन देखने को मिला था 2018 में, तो यहाँ पर जो हमें कहा गया था सैमसंग की तरफ से वो ये कि जो सैमसंग का जो इस फोन में जो है बैटरी वो काफी ज्यादा सेफ है, काफी आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है और काफी ज्यादा अच्छी बैटरी है, 4000 mAh की बैटरी है, काफी ज्यादा हाई कैपेसिटी बैटरी उन्होंने लगाई है। तो उसके बावजूद भी एक वाकया जो हमें सामने सैमसंग इसमें नोट 9 का एक वाकया देखने को मिला है। तो आज इस वाकये के बारे में जरा देख लेते हैं कि असल में हुआ क्या। यहाँ पर जो हमारे पास सीनेट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर बताया ये गया है कि एक औरत जो थी वो अपने नोट 9 स्मार्टफोन को यूज कर रही थी। यूज करते हुए उसको अपना फोन जो एक्सट्रीमली हॉट फील हुआ, उसने क्या किया अपने फोन को बंद करके मतलब ये कि उसने अपने फोन को यूज करना छोड़ा और बैग में डाल लिया। उसने जब फोन बैग में डाला तो उसको थोड़ी देर बाद स्क्वीजिंग वगैरह की आवाजें आने शुरू, विस्लिंग किस्म की आवाजें, यानी जिस तरह आप किसी बोतल को या प्लास्टिक की चीज को अक्सर जलाते हैं तो आपको आवाजें वगैरह सुनने को मिलती है। तो उस किस्म की उसको बैग में से आवाजें आना शुरू हुई और थोड़ी देर बाद उसको बैग में से धुआं वगैरह निकलता नजर आया। उसने जल्दी से अपने बैग को जमीन पे रखा, एलिवेटर में रखा, वो एक एलिवेटर में खड़ी थी तो उसने एलिवेटर की जमीन पे रखा और फौरन उसमें से अपनी मेन चीजें वगैरह जो है जरूरी चीजें वगैरह उसमें से निकालना शुरू कर दी। और पास ही जो एक बंदा था उसने जल्दी से उस एक कपड़ा लिया, कपड़े से उसने मोबाइल को उठाया और उठाकर एक बाल्टी में डाल दिया जो कि पानी से भरी हुई थी। तो ये वाकया जब सामने आया है तो बहुत ज्यादा हेडलाइंस वगैरह देखने को सामने आ रही है। कुछ लोग जो है उसको फेक समझ रहे हैं कि यार अभी इस तरह शायद ही हो, क्योंकि पहला वाकया है। लेकिन ये जो है काफी ज्यादा वाकया न्यूयॉर्क में हुआ है और यहाँ पर ये न्यूज वगैरह में जो है काफी ज्यादा हेडलाइन बनी हुई है। तो ये वाकया वाकई में सच में हुआ है और ये 3 सितंबर को जो 3 सितंबर जो थी उसको ये वाकया हमें देखने को मिला था। तो नोट 9 अब जो है अगर तो वाकई में इस तरह होता है तो सैमसंग का नोट 9 अब जो है वो अच्छा खासा इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि नोट 9 जो भी डिवाइस है वो 1,30,000 रुपए की डिवाइस है पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई थी। अब हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ गई हो, तो अगर 1,30,000 की डिवाइस बंदा ले और वो इस तरह से खराब हो जाए, और खराब होना तो अलग बात है, यहाँ पर आप हाथ वो जल सकता है, आपको मुंह जल सकता है, आप कॉल कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा आपको बुरा इफेक्ट दे सकता है। अब यहाँ पर जो सैमसंग की कोटेशन है वो ये कि सैमसंग ने कहा है कि हमें इसके अलावा और कोई वाकया इस तरह नोट 9 के ब्लास्ट होने का देखने को नहीं मिला, लिहाजा जो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी इस वाकये में भी कर रहे हैं। लेकिन जो इसके अलावा अब हमें देखना यह है कि कोई और फोन तो इस तरह से सैमसंग का ब्लास्ट नहीं होता, अगर तो इस तरह होता है तो नोट सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, नोट 9 के ब्लास्ट होने का पहला वाकया तो हमारे सामने आ ही गया है। सैमसंग भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या हुआ, किस वजह से हमें वाकया देखने को मिला। अब आप लोगों ने नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या वाकई में हमें इस तरह आगे भी हो सकता है वाकया तो हमें देखने को मिलेंगे, अगर मिले तो सैमसंग पे जो है किस तरह का असर पड़ेगा और आप लोगों को इस बारे में क्या सजेशन है। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे राइट साइड पे आपको रेड कलर का आइकन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करें और साथ में बेल आइकन जो बनाएगा उसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको मिले नोटिफिकेशन। अगर आपने देनी है कोई सजेशन या कोई फीडबैक देना या कोई भी किसी किस्म का भी आपको आपने कोई सवाल पूछना है तो नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।